अब राजवीर ही है जो शौर्य को लॉकअप से बाहर निकला सकता है। तेरी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि एक भाई दूसरे भाई को छुड़ा के घर ले आया था। मैं हूँ साथ तेरे। कानून के तो रूल्स होते हैं, लॉज एंड फ्लॉज होते हैं। कानून भी तो सबूत मांगता है। अब लॉयर को सबूत नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा ना। फिर अब क्या करेंगे? राजवीर आ रहा है। राजवीर? राजवीर आ रहा है? कहाँ है वो? अरे मतलब मोहम्मद, आप ये मत सोचो कि राजवीर आ रहा है, आप ये सोचो कि कोई ऐसा आ रहा है जो शौर्य को लॉकअप से बाहर निकलवा सकता है। वो कैसे पुत्र? वो ऐसे कि राजवीर ने ना अंशुमन के साथ हमारी कंपनी के लिए बहुत काम किया। आई मीन टू से, मतलब जब भी हमारी कंपनी की कोई डील हुआ करती थी या कोई बिजनेस वेंचर्स हुआ करते थे या नीलामी हुआ करती थी, ऑक्शंस हुआ करते थे, तो राजवीर लूथरास को रिप्रेजेंट किया करता था और अंशुमन भी वहाँ पे हुआ करता था। तो वो अंशुमन के साथ में बहुत उठा बैठा है। उसको पता है अंशुमन की फितरत क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके मूव्स क्या होने वाले हैं, वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। तो जब आप दुश्मन के बारे में इतना सब कुछ जानते हो ना, तो उसके सबूतों का तोड़ भी आप निकाल सकते हैं। आई एम श्योर ही विल डू इट। अब राजवीर ही जो शौर्य को लॉकअप से बाहर निकला सकता है। तेरी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि एक भाई दूसरे भाई को छुड़ा के घर ले आया था। ठीक कह रही हैं मॉम, ऐसा ही तो है। हमारा पूरा परिवार राजवीर से कितना प्यार करता है, जैसे वो इस घर का बेटा हो। That's what I mean to say. जैसे शौर्य से हम सब लोग प्यार करते हैं, हमारा पूरा परिवार करता है शौर्य से प्यार। तो मतलब वो दोनों ऐसे ही हुआ ना, जैसे आपस में भाई हैं एक दूसरे के, और एक भाई दूसरे भाई को लॉकअप से बाहर निकलवा रहा है। इतनी शॉक में क्या देख रही हो मुझे? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसे होने वाला है। Nobody cares, Nidhi. Exactly my point. Nobody really cares. किसी को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, और जहाँ वैल्यू नहीं है वहां रहकर मैं करूँ भी क्या? चली जाती हूँ ना। चलो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? घर वाले तो ऐसे ही बात करते हैं, आप भी ऐसे ही बात करो, है ना? उन लोगों को तो प्रीता के सामने कोई दिखता नहीं है, मैं तो दिखती नहीं हूँ, उनको कोई वैल्यू नहीं मेरी, आप भी मत करो। अरे एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट किया था मैंने कि आप मेरा साथ दोगे, आप मेरे साथ लड़ोगे। आपने भी मुझे सुना दिया सबके सामने। क्यों? व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? तुम मेरी मॉम की बेइज्जती करोगी और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी? अगर कोई भी किसी की माँ की बेइज्जती करता है ना, तो बेटी चुप नहीं रहती। मुझे एक बात बताओ निधि, अगर तुम्हारी मॉम के साथ किसी ने इस तरह से बात की होती तो तुम क्या कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती? नहीं ना। एग्जैक्टली मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। एक बात अच्छी तरह से समझ लो निधि, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई भी उनकी बेइज्जती करे ना, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ये बात अगली बार याद रखना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।